तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर दोनों टीमें अपनी इंट्रोडक्शन दे रही हैं दुर्योधन अपने का गुनकार है और जो जो उनके योद्धा वगैरह उनके बारे में बता रहे हैं अगला पार्ट अर्जुन जिनको नहीं पता उसका मतलब बस होता है कि उसने कहा सो so, अर्जुन बी अर्जुन बोला या अर्जुन सेड तो अर्जुन ने क्या कहा हे hey, राजन इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा हे hey, अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए नाउ लॉर्ड ऑफ द अर्थ सीन योर सन्स एर अगेंस्ट हिम एंड वेन मिसालेडी टू बी हर्ल्ड अर्जुन फॉलोइ वर्ड्स टू श्री कृष्ण कृष्णा दू आर्मीज और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए तो अर्जुन बेसिकली अपनी ओपोनेंट्स को देखना चाहता है कि कौन कौन मेरे साथ लड़ने आया बट मेरे ख्याल से इसके सारे ताए चाचे मम्मी थे तो इसको पता ही होगा कि कौन कौन लड़ने आए कोई इनके गुप्तचर वगैरह नहीं होते थे कि ये उसको ज्वाइन कर रहा है ये उसको ज्वाइन कर रहे हैं मे भी एक गुप्तचर वाली प्रथा लेटर आई है बट हु नोस एंड कीप इट देयर टिल आई हैव केयरफुली दिस वॉरियर्स ट्रॉन अप फॉर बैटल एंड हैव हैव सीन विद आई इन दिस फाइट तिरोधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा आई शैल इन दुर्योधन ऑन दिस साइड एंड आर रेडी फॉर द फाइट एक चीज जानने वाली है कि दुर्बुद्धि का मतलब एवल माइंडेड है प्रसंग अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया अब दो श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं अब आजय संजय धृतराष्ट्र के सामने बात कर रहे हैं तो आर संजय बोले हे hey धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और दुर्योधन के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख

गुरुओं को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पुत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा ये तो रायमी बन गई थी ना अर्जुन सॉ स्टेशन देयर इन बोथ हिज अंकल्स ग्रैंड अंकल्स एंड टीचर्स इवन ग्रेट ग्रैंड अंकल्स मटर्नल अंकल्स ब्रदर्स एंड कजन सन्स एंड एंड ग्रैंड नेफ्यूस इवन सो फ्रेंड्स फादर इन लॉ एंड वेल विशर्स एस वेल उस टाइम पे अर्जुन यंग अडल्ट होगा उसके दादा पड़दादा भी जिंदा है जिंदा तो क्या घी को खाया होगा उन्होंने लड़ने के लिए आ रखे कमाल है प्रसंग। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, क्या क्या किया 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 अब उसे बतलाते हैं उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कर वैकुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले सिंग ऑल दो अर्जुन वॉज फिल्ड विद डीप कम्पैशन एंड अटर दीज वर्ड इन सैडनेस प्रसंग अर्जुन की कैसी स्थिति हुई अब ढाई श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसे वर्णन करते हैं अर्जुन वाच अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जा रहा है मुख सुखा जा रहा है तथा तो मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है Arjun said, "Krishna, at the sight of these kinsmen arrayed for battle, my limbs give way, and my mouth is parching. Nay, nee, a shiver runs through my body, and hairs stand upright." Mala Arjun was getting nervous, or because his father, or his grandfather, or mitra friends they were, had to fight Arjun. So Arjun felt very bad. Why did he feel bad? Because Arjun was a human being, and he had Keep that in mind. Let's read. हाथ से गांडीव धनुष किर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ दबो गांडीव स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन टू बर्नस ऑल ओवर इन इज वर्लिंग एज इट वर्ड आई कैन स्टैंड नो लॉन्गर यू कैन टल कि अर्जुन बड़ी ज्यादा इमोशन से गुजर रहे प्रसंग अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करने जब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं हे hey केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता एंड केशव आई सी सच वो ऑफ इवल नॉट डू आई सी एनी गुड इन खिलिंग माई किन्समैन इन बैटल अपने दोस्तों को मार के क्या फायदा बोलाना अर्जुन के अंदर इंसानियत है क्योंकि वह इंसान है प्रसंग अर्जुन ने यह कहा कि स्वच्छ को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं हे कृष्ण मैं ना तो बेचे चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है सो वो क्वेश्चन करता है कृष्ण को कि इनको मारकर अगर मुझे राज्य मिला भी तो उसका क्या फायदा कृष्ण नाव लेट इट इन इंग्लिश कृष्ण आई डू नॉट कव नॉर्ट प्लेजमीज और राज्य भोग आदि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिशिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं गुरुजन

हमें राज्य क्यों चाहिए ताकि हम अपनी फैमिली के साथ सुखी रह सकें ताकि लोग उसमें सुखी रह सकें व हम के साथ लड़ रहे हैं गुड जेनविन बाय बायोजन हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है ओ स्लेयर ऑफ मधु आई डो नॉट वॉन्ट टू किल दैम दो दे शुड स्ले मी इवन फॉर द थ्रोन ऑफ द थ्री वर्ल्ड हाउ मच दी लेस फ्रॉम अर्थली लॉर्डशिप अब अर्जुन कह रहा हैं कि मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता फिर धरती धरती को लोग ना एवं ही मानते हैं धरती को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई हिंदुज्म में तो धरती के लिए मैं इनको क्यों मारूंगा वो भी छोटी सी धरती के लिए बात भी सही है पूरे इंडिया में से अगर आप हस्तनापुर देखो तो इतना भी बड़ा नहीं था पूरे इंडिया का पार्ट थोड़ना था और भी दुनिया है अमेरिका है जर्मनी है वगैरह वगैरह अगला प्रश्न यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात की पुष्टि करते हैं तो अर्जुन अपनी बात को दोबारा समझाने की कोशिश करता है हे hey जनार्दन धृतराज के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा कृष्णा हाउ कैन वी होप

अपने ही बांधव त्रिदराष्ट के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे गुड क्वेश्चन देयरफ कृष्णा इट डस नॉट बिहोव अस टू किल आवर रिलेशंस द सन्स ऑफ त्रिदराष्ट फॉर हाउ कैन वी बी हैप्पी आफ्टरKilling our own kinsmen अपनों को मारकर क्या खुशी मिलती है गुड क्वेश्चन प्रश्न यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तो दोनों के लिए समान ही है फिर यदि इस दोष पर विचार करने दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो अर्जुन दोष लोगों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं यद्यपि लोभ से भ्रष्टाचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए इवन इफ दीज पीपल विद माइंड परसीव नो इवल इन डिस्ट्रॉइंग देयर ओन रेस एंड नो इन टू फ्रेंड्स शुड नॉट वी ओ कृष्णा हु सी क्लियरली द सिन अक्रोइंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन फैमिली थिंक ऑफ टर्निंग अवे फ्राम दिस क्राइम अगेन अर्जुन बड़े सही सही सवाल पूछ रहा है इस चीज के अंदर कि भी अगर एक जना फुदू है तो हम भी फुद्दू क्यों बने है ना लेट्स रीड प्रसंग कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं इस पर अर्जुन कहते हैं अर्जुन कृष्ण को ज्यादा बढ़िया टीचिंग दे रहा है लेट्स सी कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होता है धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है एज लॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन डिसअपियर विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली एंड वर्चू है मतलब ट्रेडिशन गई थे कोई नहीं प्रसंग इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है अर्जुन अब उसे बतलाते हैं हे hey कृष्ण पाप के अधिक भर जाने से कुल की स्त्रिया अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे hey वैष्णव स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकार उत्पन्न होता है मुझे इतना आया लेट्स रीड इन इंग्लिश

अगर आदमी को औरत से प्यार है इट एज मैटर वर्ट दे कास्ट इज अगर आदमी को आदमी से प्यार है तब भी कोई चक्कर नहीं औरत को औरत से प्यार है तब भी कोई चक्कर नहीं जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी इस बात को समझो एनी वेज इट्स नॉट अबाउट मी मीट्स अबाउट भगवद गीता लेट्स कैरी ऑन प्रसंग वर्ण संकार संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं अर्जुन अभिन्हें बतलाते हैं अब अर्जुन बता रहा है कि अगर हम अपने कास्ट के अंदर शादी नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या हानियां होती हैं एसी वर्ण संकार कुल खातियों को और कुल के नर्क में ले जाने के लिए ही होता है लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तपन से उचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं बड़े घातक हिंदी वर्ड है मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा समझ में आए

पहले ये तो पता लगे उसका तो पता लगे बट एनीस लेट्स जस्ट फोकस ऑन रीडिंग अगला प्रश्न वर्ण संकारक दोषों से क्या हानि होती है आप उसे बतलाते हैं आके अर्जुन बता रहे हैं. इन वर्ण संकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट होते हैं दो दीज ईल स्प्रिंगिंग अबाउट एन इंटरमिक्शन ऑफ कास्ट एंड द एज लॉन्ग कास्ट एंड फैमिली कस्टम्स ऑफ द किलर्स ऑफ किंग्समैन कैट कैटिक जाति खत्म हो जाती है अगर आप मिक्स कर दो तो अर्जुन से अभी तक मैं सहमत था पर अर्जुन ना बड़े कट्टर वाली बातें करने लग गया ही बिकम सी प्रसंग कुल धर्म और जाति धर्म का नाश से क्या होनी होगी अब इस पर कहते हैं हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है

किसी की लड़की अपने भाइयों के साथ शेयर करी थी एक लड़की के पांच हस्बैंड हजबेंड गोस जो भी इनको पसंद है ना एज पर कन्वीनियंस अपनी तरफ मोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे ये यह कह रहा है कास्ट मिक्स नहीं करनी चाहिए बट अपनी कास्ट के अंदर चाहे तुम एक ही बीवी के साथ पांच पांच भाई लगे हो कोई चक्कर नहीं नो वरीज एंड ये वाई शुद बॉय ऑल द फ इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए के पुत्र रन में मार डाले, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याण कारक होगा इट वुड बी बेटर फॉर मीट दाज आर्म विध वेपन बैटल भहकी बहकी बातें करने लग गया। आगे बढ़ते भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं अब आजे संजय एंट्री मारते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्दिग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया आज संजय लाइक अर्जुन नाउ इज कन स्टैंड संजय सेड Aljuna, whose mind was agitated by grief on the battlefield, having spoken, thus have thrown aside his bow and arrows, sank into the hinder part of his chariot. So here we end. Karte jo bhi uske mein, let us think, and you can call me atheist.